स्वागत है आप सभी का हमारे इस किचन में। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास शुद्ध खोवा था और ये अभी अभी बनाया हुआ है खोवा है, तो मैं सोचा क्यों ना इससे बना लिया जाए जामुन गुलाब। अरे मेरा मतलब है गुलाब जामुन। सो चलिए बनाते हैं इससे हम गुलाब जामुन, वो भी हमारे घर के खोवे से। सो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो खोवा है ये तो वैसे फ्रेश है तो ये कड़क नहीं है, तो हम जैसे पहले आटे को गूंथते हैं हम उस तरीके से इसे भी खोवे को गूंथ लेंगे ताकि ये प्लेन हो जाए। सो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें मैदा, आटा या फिर रवा, ये तीन में से कुछ भी एक चौथाई डालना है इसमें। तो जैसे मैंने इसमें डाला है रवा, रवा मतलब सूजी, एक चौथाई डाला है। जितना भी आपके पास रहेगा खोवा उसका एक चौथाई आपको डालना है और एक चुटकी आपको इसमें बेकिंग सोडा डालना है। उसके बाद इसे आपको गूंथ लेना है पूरा जैसे, और जो हमें गूंथना है वो हमें जो हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस वो वाला उस तरीके से गूंथना है इसे भी। सो उसके बाद हमें छोटी छोटी लोई बना लेना है। और हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, अगर यदि आप मार्केट से खोवा ले रहे हैं और वो रहेगा कड़क तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको मलाई मिलाना पड़ेगा, उतनी मिलानी ताकि जिसमें जो आपका खोआ है वो नॉर्मल हो जाए, मतलब नरम हो जाए, जैसे हमारे आटे की लोई रहती है उस तरीके की। सो उसके बाद फिर हमें इसे छोटे छोटे गोल बनाने हैं, बॉल टाइप के बनाने हैं छोटे छोटे, और फिर उसके बाद हमें इसे घी में तलना है, शुद्ध घी में तलना है। और अगर यदि ठंडी का समय रहेगा तो आप उसे शुद्ध घी में नहीं तलिएगा, नहीं तो पूरा घी जो है उसमें चिपक जाएगा, यानी तो आपको तेल में तलना है। और अगर आप तेल में तलेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, तेल जो तेल में से स्मेल नहीं आती आप वो तेल यूज करिएगा इसमें, ये हो सकता है कि आपके गुलाब जामुन में उस तेल की स्मेल आ जाए। और फिर उसके बाद आपको चाशनी बनानी है, और जो चाशनी आप बनाएंगे शक्कर की, इसमें कोई लेयर नहीं रहेगी, कोई तार वाली चाशनी रहेगी, ये नॉर्मल चाशनी रहती है शक्कर और पानी डाल के जो हम उसे उबालते हैं वो। उसके बाद जैसे ही आपके जो है ये सिक जाएंगे तेल में गुलाब जामुन के बॉल्स, ये देखिए कितने बढ़िया बॉल्स हो गए, एकदम गोल गोल बन गए हैं गुलाब उसके जामुन। बाद तो आपको क्या करना है, इसे आपको डालना है चाशनी में जो आपकी बना के आपने रख ली होगी। और इसे आपको एक चीज याद रखना है कि जब आप डालेंगे तो पहले तो ये ऊपर तैरेंगे, ये देखिए जब हमने इसमें डाला तो ये पहले ऊपर फ्लोट करेंगे हमारी चाशनी में। फिर उसका जब जो गुलाब जामुन है जब वो पूरी चाशनी जो सोख लेगी, उसके बाद जो ये है गुलाब जामुन ये हो जाएंगे भारी, उसके बाद ये नीचे बैठने लगेंगे, मतलब जब पूरा इसमें मिल जाएगा गुलाब जामुन में पूरी चाशनी, उसके बाद ये नीचे बैठने लगेंगे और उसके बाद टेस्ट भी बढ़िया रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि गुलाब जामुन को जब बन जाए तो कुछ देर के बाद खाना चाहिए ताकि गुलाब जामुन जो है हमारा पूरी चाशनी सोख ले और उसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाए। तो आप भी बना के देखिए इस तरीके से गुलाब जामुन, और बताएं हमें कैसी लगी ये वीडियो। सो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।